अर्णब गोस्वामी के खिलाफ ये पर्यंत रचा है, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की है। आज उनके साथ जेल में क्या हो रहा है? उन्हें पीटा जा रहा है, सुनने में आया उन्हें जूते से पीटा गया, उन्हें पीने के अंदर कुछ ऐसा दिया गया जिससे उनकी आवाज़ बैठ गई। तो ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको एक संकेत दिया जाता है कि भैया अगर आप इस देश में राष्ट्रवाद की बात करोगे, हिंदुत्व की बात करोगे, तो आपका यही हाल होगा। इसलिए ये उनके साथ जिस प्रकार की जो समस्या हो रही है, जो कष्ट उनको हो रहा है, वह कष्ट उनको ही नहीं हो रहा, वह कष्ट इस देश के करोड़ों करोड़ों युवाओं को हो रहा है, हमें भी हो रहा है। अर्णब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए अभी अगर आप सरकार की बात करें तो कांग्रेस का कल्चर जो है वो 1975 में भी इमरजेंसी का था, आज भी वही चीज़ लागू है। सरकार भले वहाँ पे शिवसेना का सीएम है लेकिन उसको चला सरकार जो है इटली से ही चल रही है। इंदिरा गांधी के आपातकाल से लेके आज सोनिया गांधी के आपातकाल तक जो महाराष्ट्र में चल रहा है, मेरा जन्म स्वयं आपातकाल के समय हुआ था, तो वो स्मृति तो मेरे दिमाग में नहीं है, किंतु आज जो देख रहा हूँ मुझे आज एहसास हो रहा है कि किस प्रकार की परिस्थितियाँ जो आज महाराष्ट्र में है वो पूरे देश में रही होगी, जब सभी राष्ट्रवादी के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। अर्णब गोस्वामी के समर्थन में जो उनके समर्थक हैं, तमाम जो अब देश और विदेश में भी अब विरोध हो रहा है, जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, और अब अर्णब गोस्वामी कह रहे हैं कि उनको वहाँ पर जो है पीटा जा रहा है, जेल के अंदर भी घसीट के ले जाया जा रहा है, जिस तरह से इलीगल तरीके से उनके साथ जो है बदतमीजी हुई और उनको अरेस्ट किया गया, यहाँ पर इतने लोग प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। सर आपका क्या नाम है? कुलदीप चौहान। किस तरह से आप किस लिए आए आप यहाँ पर राजघाट? हम लोग अर्णब गोस्वामी के समर्थन में हम सब जुटे हैं यहाँ पर। अर्णब गोस्वामी के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार महाराष्ट्र सरकार द्वारा, महाराष्ट्र पुलिस द्वारा किया जा रहा है, क्या उनको ये नहीं पता कि सलमान खान दारू के नशे में सोते हुए लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और जिंदगी भर के लिए उन गरीब लोगों को जिंदगी भर के लिए सुला देता है? और हमारे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में सोते हुए लोगों को जगाने वाले अर्णब गोस्वामी के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है? अपनी मीडिया के माध्यम से, अपनी पत्रकार वार्ता के माध्यम से वह सोते हुए लोगों को जगाने का काम करते हैं, उनके साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार महाराष्ट्र सरकार द्वारा, मुंबई पुलिस द्वारा, ये देश के युवा और देश के लोगों को अब बर्दाश्त नहीं होगा। आज उनका बयान आया है कि वो कह रहे हैं कि हमें ये जेल ले जाया जा रहा है, और जेल ले जाया जा रहा है तो उनको पीटा भी जा रहा है, उनको पुलिस जो कस्टडी है वहाँ पे उनको पीटा जा रहा है, उनको काफ़ी परेशानी है वहाँ पर, तो किस तरह से लेते हैं आप? देखिए परेशानी और जेल, जो व्यक्ति देश के लिए कुछ करने की कोशिश करता है, शहीद भगत सिंह जी उनको जेल जाना पड़ा, परेशानी हुई। सुभाष चंद्र बोस जी, बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े क्रांतिकारी वीरों को देश को जगाने के लिए, देश को संगठित करने के लिए जेल जाना पड़ा और परेशानियां झेलनी पड़ी। अर्णब गोस्वामी जी भी वे क्रांतिकारी हैं जो देश के युवाओं को जगाने का काम कर रहे हैं, हिंदुत्व को जगाने का काम कर रहे हैं, राष्ट्रवादी बात कर रहे हैं, और देश के अंदर जिस प्रकार का ये जो खेल चल रहा था ये हिंदुत्व के खिलाफ, इसको षड्यंत्र को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये उनके साथ जिस प्रकार की जो समस्या हो रही है, जो कष्ट उनको हो रहा है, वह कष्ट उनको ही नहीं हो रहा, वह कष्ट इस देश के करोड़ों करोड़ों युवाओं को हो रहा है, हमें भी हो रहा है। अर्णब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र की उनकी पुलिस जो है, जिस तरह से दमनकारी नीति अपना रही है और ऐसी स्थिति बना दी वहाँ पे जैसे आपातकाल की स्थिति हो, और एक पत्रकार की जो है भावनाओं को, उसके अभिव्यक्त को कुचलने का जो काम चल रहा है, तो उसको किस तरह से लेते हैं अर्णब गोस्वामी? देखिए जी, ये इस देश का दुर्भाग्य है, लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ भी यही हुआ। इस देश को जो एक परिवार चला रहा है, आज महाराष्ट्र में उनकी सरकार है, वो जो इटेलियन मम्मी बैठी है वहाँ पर, उसकी नीतियों के, उसके सिद्धांतों में ये है, जो राष्ट्रवाद की बात करता है, जो हिंदुत्व की बात करता है, उसको कुचल दिया जाता है। आज अर्णब गोस्वामी जी की गलती क्या है? उन्होंने सुशांत राजपूत जी के मर्डर केस की आवाज़ उठाई। आज उनकी गलती क्या है? वो हिंदुओं को एक कर रहे हैं, वो राष्ट्रवादी बात कर रहे हैं, यही तो गलती है उनकी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो एक परिवार है, जिसे ना इस देश के हिंदुओं से मतलब है, ना इस देश की जनता से मतलब है, उन्हें मतलब है सिर्फ सत्ता से, और सिर्फ अपनी सत्ता कायम करने के लिए, अपने कुछ वोट बैंक को खुश करने के लिए उन्होंने अर्णब गोस्वामी के खिलाफ ये पर्यंत रचा है,
उनके खिलाफ ये कार्रवाई की है। आज उनके साथ जेल में क्या हो रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है, सुनने में आया उन्हें जूते से पीटा गया, उन्हें पीने के अंदर कुछ ऐसा दिया गया जिससे उनकी आवाज़ बैठ गई, तो ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको एक संकेत दिया जाता है कि भैया अगर आप इस देश में राष्ट्रवाद की बात करोगे, हिंदुत्व की बात करोगे तो आपका यही हाल होगा। मगर अब इस देश का युवा, इस देश का हिंदू जाग गया है, अर्णब गोस्वामी के साथ खड़ा है, और हम अर्णब गोस्वामी से यही कहना चाहते हैं कि आप संघर्ष करो, देश का सारा युवा, देश का हिंदुत्व, देश का राष्ट्रवाद सब आपके साथ खड़ा है। आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है महाराष्ट्र में, एक पत्रकार को जो है कि आवाज़ को दबाया जा रहा है, किस तरह से लेते हैं और आप किस लिए आए हैं आज राजघाट में? देखिए, हम अर्णब गोस्वामी जी के समर्थन के लिए आए हैं। हमने जैसे ही महाराष्ट्र सरकार जो ये कार्य करी, दमनकारी चक्र चला रही है अपना, अर्णब गोस्वामी की पत्रकारिता के सवाल उठा रही है, लेकिन मेरा मानना यह है जैसे अर्णब गोस्वामी ने हिंदुत्व की बात करी है, पालघर के साधुओं की बात करी है, सुशांत सिंह राजपूत की बात करी है, और कोई कई राष्ट्रवादी मुद्दों पर कार्य करा है, वो देख के हम बहुत खुश हैं, इसलिए हम उनके समर्थन में आए हैं। भाजी, जिस तरह से आज अर्णब गोस्वामी कहते हैं कि उनको जेल ले जाया जा रहा है और उनके साथ बहुत बदतमीजी की जा रही है, उनके मारपीट की जा रही है, तो किस तरह से लेते हैं? और जो महाराष्ट्र सरकार है वो किसके इशारे पे काम करे, जैसे महाआघाड़ी सरकार है वहाँ पर महाविकास की बात करते हैं, तो जो ऐसा लग रहा है कि वो किसी के जो है ना कठपुतली सरकार है और उनके जो पुलिस है वो एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं, और जिस तरह से अर्णब गोस्वामी के साथ जो प्रताड़ना हो रही, ऐसे लग रहा है कि जैसे कि आपातकाल की एक स्थिति हो, क्या लगे? देखिए, अभी अगर आप सरकार की बात करें तो कांग्रेस का कल्चर जो है वो 1975 में भी इमरजेंसी का था, आज भी वही चीज़ लागू है। सरकार भले वहाँ पे शिवसेना का सीएम है, लेकिन उसको चला सरकार जो है इटली से ही चल रही है। अगर आप पूरे सीक्वेंस पे गौर करें तो शुरुआत से लेकर पालघर से लेकर उसके बाद आपका सुशांत सिंह केस का मर्डर का, उसके बाद आपका ड्रग का केस निकलना और ड्रग के केस का दाऊद से लिंक होना, ये सबको पता है कि बॉलीवुड में और मुंबई में पैसा किसका चलता है। आज की डेट में एग्जांपल देखिए आप, दाऊद के प्रत्यक्ष होने का प्रमाण, आपका फ्रांस में कुछ इशू होता है और मुंबई में भिंडी बाजार में समर्थन होता है उसका गला काटने का। इसके अलावा कंगना का जब भी घर गिराया गया, हाई कोर्ट का ऑर्डर है मुंबई पुलिस को पिछले 6 महीने से कि दाऊद का घर गिराया जाए, लेकिन क्यों नहीं गिराया जा रहा है? क्या मुंबई की सरकार कांग्रेस के इशारे पर दाऊद के हाथ में खेल रही है? इसकी जाँच NIA को करनी चाहिए, तुरंत होम मिनिस्टर को ऑर्डर देके NIA को भी जांच में लाना चाहिए, CBI को भी जांच में पूरी तरह से लाना चाहिए और इसको क्लियर करना चाहिए कि क्या दिक्कत है। आपको पता होगा कि एक बार वे पाकिस्तान के एक मंत्री है जो वर्तमान मंत्री हैं वहाँ पर वर्तमान सरकार के, जो उसने बोल रहा था कि जो रिपब्लिक भारत है वो एक रॉ संस्था चला रही है और अर्णब गोस्वामी रॉ का आदमी है, तो इसके बाद 2 दिन बाद ही इतना बड़ा एक्शन हो गया, उनको ऐसे घसीट कर ले जाया गया, सुबह सुबह जो उनको उठाया गया जैसे माने एक बहुत बड़ी अपराधी हो, तो इस बात को किस तरह से लेते हैं आप? पाकिस्तान के इशारे पे जैसे लग रहा है कि ये कोई काम हुआ है। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दाऊद से सीधा सीधा लिंक नज़र में आ रहा है, सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी खबरें चल रही हैं, बिल्कुल पाकिस्तान से लिंक है। एक कांग्रेस के मिनिस्टर का पाकिस्तान जाना, वहाँ पर कुछ साल पहले जाके कहना कि मोदी हटाने के लिए आपका समर्थन चाहिए, फिर अभी पिछले 1 महीने पहले शशि थरूर जी पाकिस्तान जाना लिटरेचर फेस्टिवल में भारत के अगेंस्ट में बयान देना, ये सारी चीज़ इशारा करती है कि ये पाकिस्तान के और दुबई के जितना भी ड्रग का बिजनेस है उसके इशारे पर चल रहा है। और अगर आप गौर करेंगे पूरी चीज़ों पर, जैसा मैंने आपको बताया, तो हर एक चीज़ आपकी लिंक होती है ड्रग बिजनेस से। जैसे ही ड्रग बिजनेस का नाम आया तुरंत ये मारने की साजिश रची गई है और उसी के तहत ये किया जा रहा है, गिरफ्तार करना किसी को, और वो भी एक ऐसे झूठे केस में। अभी तक हमने किसी ने केस पे बात नहीं करी, आदनान्या नायक के केस में अगर एक आप नॉर्मल इंसान हैं, क्या कोई अगर सुसाइड करता है किसी से पैसे की उधारी पे, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के अपनी मदर के साथ सुसाइड करेगा? 2018 से लेकर 2020 तक वो क्यों चुप थे? अपनी सारी डिटेल्स वो क्यों नहीं मीडिया में साझा करते कि आपकी किससे बात हुई, कितने रुपये का बैलेंस था और कितनी उधारी है? जो सोशल मीडिया में जानकारी में है वो ये है कि इनके खुद के बहुत सारे पैसे बकाया थे जो इस कंपनी को किसी और को देने थे, इसके चक्कर में अपने इन्होंने जो सुसाइड एक फर्जी नोट बनाया गया और जो हस्बैंड है उसको शायद मारा गया उसके बाद, ताकि वो पैसा भी ना देना पड़े और पूरी प्रॉपर्टी जो इनकी वाइफ है उनके कब्जे में आ जाए।
ऐसा नहीं हो सकता है एक नॉर्मल सिनेरियो में कि कोई अपनी वाइफ को छोड़कर अपनी मदर के सुसाइड करे, साथ सुसाइड करे, जिसका कोई बिजनेस से लेना देना ही नहीं है। जो यहाँ पे जो प्रोटेस्ट के लिए आए हैं आप, और जिस तरह से आज अर्णव गोस्वामी का बयान आया है कि वो कह रहे हैं कि मुझे घसीट कर ले जाया जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है और उनके साथ जो है जाति कर दी जा रही है और उनके साथ मारपीट कर दी जा रही है, किस तरह से लेते हैं आप? देखिए, आज सुबह 9 बजे से ही यहाँ पे भाई कपिल मिश्रा, तेजेंद्र बग्गा, प्रशांत, मैं स्वयं, हम लोगों ने भी और सभी हमारे राष्ट्रवादी जितने मित्र हैं सोशल मीडिया पे, सभी ने आह्वान किया था कि 9 बजे आके यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लगा दी है, मात्र 5 लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी थी, उसके बाद सभी को डिटेन भी किया गया है और अभी भी प्रोटेस्ट को बिल्कुल विखंडित करने की कोशिश हो रही है। खैर, ये कानून प्रशासन अपना काम करेगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी के आपातकाल से लेकर आज सोनिया गांधी के आपातकाल तक जो महाराष्ट्र में चल रहा है, मेरा जन्म स्वयं आपातकाल के समय हुआ था, तो वो स्मृति तो मेरे दिमाग में नहीं है, किंतु आज जो देख रहा हूँ, मुझे आज एहसास हो रहा है कि किस प्रकार की परिस्थितियाँ जो आज महाराष्ट्र में है वो पूरे देश में रही होगी, जब सभी राष्ट्रवादी के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सोनिया सेना के जो कठपुतली है उद्धव, और उनकी जो सरकार है, जो अपने पिता की विरासत के ऊपर आज उनको राजनीति में बैठे हुए, जिनके अपनी कोई उपलब्धियाँ नहीं है, वो जिस प्रकार से आज राष्ट्रवादियों पर अत्याचार कर रहे हैं, जिस प्रकार से आज पूरे देशभक्तों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, मीडिया, मतलब आप समझ लीजिए कि मीडिया को इस लोकतंत्र का चौथा पिलर जो कहा जाता है, आप लोगों के माध्यम से जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का ढिंढोरा जो पीटते हैं, कांग्रेस के द्वारा विषबेल जो बोई गई थी, वामपंथी, वो जो बार बार अभिव्यक्ति की आज़ादी का ढिंढोरा पीटते हैं, आज मीडिया के ऊपर हमला किया जा रहा है तब भी वो लोग चुप हैं, आज राष्ट्रवादियों के ऊपर हमला किया जा रहा है तब भी वो लोग चुप हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये लड़ाई चल चुकी है, ये लड़ाई तय है, हम ठान चुके हैं कि एक साथ हम सब हैं, जितने भी राष्ट्रवादी अपने अपने आह्वान से स्वयं यहाँ पर आए थे, इस आपातकाल को खत्म करने के लिए, जड़ से उखाड़ने के लिए हम सभी प्रयत्नशील हैं, प्रयासरत हैं, और इसको खत्म करके ही दम लेंगे। सर, आप भी राष्ट्रवादी लोग हैं, तो किस तरह से लेते हैं, जिस तरह से जो आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है महाराष्ट्र में, और वहाँ पे जो कठपुतली सरकार है, वहाँ पे जो कठपुतली पुलिस कमिश्नर है, किस तरह से जो है अर्णव गोस्वामी के साथ जाति की जा रही है और आज उनको जेल ले जाया जा रहा है, वो कहते हैं मुझे मारा जा रहा है, मुझे पीटा जा रहा है, उनके साथ बहुत बदतमीजी की जा रही है, किस तरह से लेते हैं आप? सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार, और मैं बताना चाहूँगा कि देश में जिस प्रकार की शासन व्यवस्था चल रही है, हमें बिल्कुल भी इसके खिलाफ लड़ाई करनी चाहिए। मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा हूँ कि किस प्रकार महाराष्ट्र में किसी एक राष्ट्रवादी लोगों को दबाया जा रहा है, उनका दमन किया जा रहा है, तो हम इस विचार से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि हमें इस अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। उद्धव सरकार के खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर मेरे जो है, मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ, कपिल मिश्रा जी, चूँकि मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, लेकिन वैचारिक हमारे जो है एक से विचार है, इसलिए मैं उनका आदर करता हूँ और उनके आह्वान पर यहाँ पर आया हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं जो आपके माध्यम से हमको देख रहे हैं, अपने अपने स्तर पर विरोध करें, क्योंकि अगर विरोध नहीं होता है तो दमनकारी नीतियाँ आगे बढ़ती हैं और इस प्रकार किसी भी देश का भला नहीं हो सकता।